टू लर्न विद सिंप्लिसिटी। बच्चों, मैं हूं आपकी रमीना और आज हम पढ़ेंगे रेनबो इंग्लिश का क्लास 5 का लेसन नंबर 2, द आंट एंड द डव। ये एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है। द आंट एंड द डव, आंट मीन्स चींटी और डव मीन्स कबूतर, सफेद कबूतर, चींटी और सफेद कबूतर। इस स्टोरी में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे समय पड़ने पे डव यानी सफेद कबूतर ने आंट की जान बचाई और कुछ समय बाद जब डव को जरूरत पड़ी, जब वो मुसीबत में था, इनफैक्ट वो मुसीबत से बिल्कुल अनावेयर था, उसको पता ही नहीं था कि क्या मुसीबत आने वाली है, लेकिन उसकी दोस्त आंट को पता चला, चींटी को पता चला और उसने कैसे उसकी जान बचाई। तो ये स्टोरी बताती है हमें कि जो सच्चे मित्र होते हैं वो मुसीबत के समय एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसीलिए इस स्टोरी का मॉरल भी है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी कि जो मुसीबत के समय काम आए वही सच्चा मित्र होता है। तो आओ बच्चों, आइए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेसन 2, द आंट एंड द डव, चींटी और कबूतर। आंट मीन्स होता है चींटी और डव कबूतर, सफेद कबूतर। तो आइए बच्चों स्टोरी शुरू करते हैं। इट वॉज अ हॉट डे, गर्मियों का दिन था और वह दिन बहुत गर्म था। अ लिटिल आंट वॉज वेरी थर्स्टी, और छोटी चींटी बहुत प्यासी थी। थर्स्टी को आप अंडरलाइन कीजिए, थर्स्टी मतलब होता है प्यासा। लिटिल आंट, छोटी चींटी बहुत प्यासी थी। She went to a river to drink water. Went means गई। River, नदी। जो चींटी थी वो पानी पीने के लिए नदी पे गई। Just then she lost her balance and fell into the water. और तभी अचानक उसका बैलेंस लॉस्ट हो गया, बैलेंस खो गया उसका, और वो अचानक से पानी में गिर पड़ी। फेल को अंडरलाइन कीजिए, फेल मतलब होता है गिरना। शी क्राइड हेल्प हेल्प, क्राइड मीन्स चिल्लाना, क्राई मीन्स चिल्लाना और क्राइड चिल्लाई, वह चिल्लाई। शी यूज हुआ है यहाँ पे आंट के लिए, आंट चिल्लाई हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। अ डव वॉज सिटिंग इन अ ट्री, डव सफेद कबूतर, सिटिंग मीन्स बैठा हुआ था, कहाँ बैठा हुआ था, पेड़ पर। ही हर्ड द आंट्स क्राई, ही यहाँ पे बच्चों डव के लिए यूज हुआ है, जो कबूतर था। हर्ड मीन्स सुना, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। ही हर्ड द आंट्स क्राई, उसने आंट की चिल्लाने की आवाज सुनी, चींटी की चिल्लाने की आवाज सुनी। द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इन टू द वॉटर, और उस सफेद कबूतर ने, डव ने क्या किया कि एक बड़ी सी पत्ती जो है ऊपर से पेड़ से पानी में गिरा दी, छोड़ दिया उसने पत्ती को पानी में। द आंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना, और यहाँ ईडी लगा दिया गया है, सेकेंड वर्ब है, क्लाइम्ड मीन्स चढ़ी। जो आंट थी वो किस पर चढ़ गई, लीफ पे, लीफ तो आप जानते ही हैं पत्ता, पत्ते के ऊपर वो चढ़ गई। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक, और जो लीफ थी वो फ्लोटेड यानी कि तैरती हुई, वो जो पत्ती थी तैरती हुई नदी के किनारे आ गई। बच्चों अंडरलाइन कीजिए आप इसको, रिवर बैंक, रिवर बैंक मीन्स नदी के किनारे। एक बैंक तो वो होती है ना जहां हम पैसे जमा करते हैं, और दूसरी बैंक हम जो रिवर का जो किनारा होता है, नदी का जो किनारा होता है, जैसे ये किनारा आपको दिख रहा है ना, नदी का ये जो किनारा है इसको भी हम जो है रिवर बैंक बोलते हैं। इन दिस वे द आंट वॉज सेव्ड, और इस तरीके से जो आंट थी, जो चींटी थी, उसकी जान बच गई। सेव्ड मतलब होता है, सेव मीन्स बचाना, यहाँ पे सेव्ड मतलब बच गए। After some time, the aunt saw a hunter. कुछ समय बाद यानी कुछ दिनों बाद aunt ने किसको देखा, एक hunter को देखा। Hunter होता है शिकारी, जंगल में एक शिकारी आया था और aunt की नजर उस पर पड़ गई। He had pointed his arrow at the dove. और वो जो शिकारी था, वो जो hunter था, वो pointed means निशाना लगाना, arrow यानी कि तीर, उसने अपनी तीर का निशाना किसके ऊपर लगा रखा था, dove,
टव के ऊपर लगा रखा था। एरो को आप अंडरलाइन कीजिए। ही वॉन्टेड टू किल हिम, और जो शिकारी ने जो निशाना लगा रखा था अपने तीर से डव के ऊपर, वो एक्चुअली में उसको मारना चाहता था। ही वॉन्टेड टू किल हिम, किल किल मतलब होता है मारना, वॉन्टेड मीन्स चाहना। ही किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? शिकारी के लिए। वो जो हंटर था वो उसको डव को किल करना चाहता था, मारना चाहता था। द आंट क्रोल्ड अप द हंटर्स फुट एंड बिट हिम। तभी आंट क्रोल्ड मीन्स घसीटते हुए, जैसे आंट चलती है ना, जैसे रेंग रेंग के चलती है, घसीटते हुए चलती है, तो उसी उसकी जो चलना है उसके लिए क्रोल्ड अप वर्ड यूज हुआ है। तो आंट कहाँ चढ़ गई? हंटर के फुट पे। फुट यानी कि पैर, उसके पैर पे चढ़ गई एंड बैठे और उसको काट दिया। पिट मतलब काटना। आउच क्राइड द हंटर एंड हिज एरो ड्रॉप्ड। जैसे ही चींटी ने हंटर को काटा वो चिल्लाया। क्राइड मैंने आपको भी पहले बताया था ना, चिल्लाना। हंटर चिल्लाया और उसका जो एरो था, उसका जो तीर था, वो नीचे गिर पड़ा। द डव वॉज सेव्ड, और इस तरह डव जो था, जो कबूतर था, सफेद कबूतर, उसकी भी जान बच गई। द आंट एंड द डव हेल्प्ड ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड्स। आंट और डव यानी चींटी और कबूतर ने एक दूसरे की हेल्प की, जैसे कि अच्छे दो अच्छे मित्र एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स को अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन द वर्ड हेल्प्ड ऑल्सो। हेल्प मीन्स मदद करना और फ्रेंड्स मतलब होता है दोस्त। जैसे आपके भी दोस्त हैं ना क्लास में, फ्रेंड्स होते हैं, वैसे ही फ्रेंड्स मतलब हिंदी में होता है दोस्त या मित्र। तो बच्चों ये जो कहानी हमने पढ़ी आज आंटो डब की, उसे हमें ये सीखने को मिला। इसका जो मेन इसकी जो लर्निंग है वो है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी कि जो मुसीबत के वक्त काम आए वही सच्चा मित्र होता है, वही सच्चा दोस्त होता है। तो बच्चों आपको समझ आ गया ना, जिस तरीके से आंट और डब ने एक दूसरे की हेल्प की, वैसे ही हमें भी अपने दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए। अपने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनकी प्रॉब्लम के टाइम पे या जब उनको हमारी ज़रूरत हो, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। आज होमवर्क में आप अपने जो मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करवाए हैं, उन सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को 3-3 times लिखेंगे, उनको रीड करेंगे और उनकी स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे, राइट? नेक्स्ट पेज पे चिल्ड्रन आपको वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं, न्यू वर्ड्स और उनकी मीनिंग। इन वर्ड मीनिंग्स को आपको अपने नोटबुक में लिखना है। थर्स्टी प्यासी, डव सफेद कबूतर, ड्रॉप्ड छूट गया, फ्लोटेड तैरा, सेव्ड बच गई, हंटर शिकारी, पॉइंटेड निशाना लगाया, एरो तीर। तो इस तरीके से आप अपने नोटबुक में वर्ड मीनिंग्स को भी लिखेंगे और डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखेंगे और उनको लर्न करेंगे।